परसदेपुर के उत्तरी छोर पर स्थित ऐतिहासिक माता मिडुरिन देवी मंदिर में चोरों ने इतवार की रात्रि चोरी को अंजाम दिया, जबकि उसी परिसर में चौकीदार सोता रहा। आपको बता दें कि 8 महीने पहले 6 जनवरी की रात्रि को भी चोरों ने इसी तरह की चोरी को अंजाम दिया था, जिसमें लाखों रुपए की चोरी की बात सामने आई थी और उसका अभी तक माल बरामद नहीं हो पाया। इस चोरी में भी माता जी के जेवरात, दान पत्र से रुपए और काफी मात्रा में घंटा चोरी होने की बात कही जा रही है। चोरों का CCTV फुटेज भी मौजूद है। देखना है कि चोरी का खुलासा कब तक पुलिस कर पाती है। रायबरेली के परसदेपुर से इंडिया नाउ 24 के लिए घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आज हम माता मिडुरिन देवी धाम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त हमेशा यहां पर मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन यही मंदिर पर आज रात को चोरों के द्वारा धावा बोल करके इसमें चोरी की गई है। इसी कवरेज करने के लिए हमारी टीम इंडिया नाउ 24 आज इस मंदिर परिसर में पहुंची है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी भोलानाथ तिवारी जी हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि माता जी के मंदिर में क्या क्या चोरों के द्वारा चोरी किया गया है, क्या क्या सामान ले गए हैं, माता जी के जेवरात कौन कौन से ले गए हैं। तो हमारे साथ है भोलानाथ तिवारी जी हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं। अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ से चोरी किया गया है। यहाँ माता जी के धाम में जब मैं 5 बजे पहुँचा हूँ जी, तो ताला खुला हुआ था जी और पर्दा लगा हुआ था जी जी जी। फिर जब मैं अंदर आया देखा जी, तो माता जी का ये लॉक टूटा हुआ था। अच्छा, इसमें लॉक था? इसमें लॉक था, जो ताला लगा था। ताला लगा था? हाँ, वो जो जी जी हुआ था जी। उसके बाद अच्छा, ये थोड़ा सा खोल दें तो हमारे भक्त लोग भी इसी के सारे दर्शन भी कर लेंगे। ये माता मिडुरिन देवी जी का ये आप लोगों को हम साक्षात दर्शन करा रहे हैं। इंडिया नाउ 24 की टीम के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। यही मंदिर है, यही माँ जी की मूर्ति है, ये स्थापित मूर्ति है। आप देख लीजिए कि ये जो भी सामान गया है, जो भी जेवरात गए हैं, यही माता जी के मंदिर से लेकर गए हैं। आपको हम साक्षात देखिए रूबरू करा रहे हैं। तो क्या क्या गया है पंडित जी माता जी के पास से? यहाँ पर 3-4 डिब्बी रखी थी कीलों की। देखिए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कहाँ रखे थे। यहीं रखे थे ये कील की डिब्बी रखी। कील थी छोटी छोटी। अच्छा अच्छा, कील थी और एक नथनी थी छोटी सी, वो बाहर रखी थी, वो इसी में सब यहीं रखी थी। अच्छा अच्छा, जब श्रृंगार करते हैं तब इसको सजाते हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ रखे थे। और एक जोड़ी पायल यहाँ रखा था चांदी का। अच्छा है जी जी। और एक मंगल सूत्र माता जी का है, माता जी पहने हुई थी। एक और था। अच्छा, एक और रखा था यहीं पर। जी हाँ, एक और रखा था। इतना सामान तो ये गया माता जी के पास से जी। तो इसमें ताला लगा था? ताला लगा था। ताला तोड़ करके इसमें चोरी हुई थी? हाँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये माता जी का दान पात्र है। ये दान पात्र दिखाइए भाई, ये दान पात्र दिखाइए कि ये ये दान पात्र है। जी जी, ये दान पात्र है जी जी ना? जी जी जी। इसका जो था वो सब खाली कर दिया, ताला काट करके। जी जी, ये ताला लगा था इसमें भी, ये इसमें ताला लगा था। हाँ। ये देखिए साफ साफ इसमें ताला लगा था, ये भी ताला काटा गया, काट दिया गया है। इसके बाद एक दरवाजा ये तोड़ा गया। इसमें क्या लगा? ताला बंद था? ताला बंद था। जी जी, ये कुंडा काटा गया। अच्छा, इसमें भी कुंडा काटा गया है जी। और क्या सामान गया है आप देख रहे हैं जी यहाँ पर? घंटे जो थोड़ा। अच्छा, ये जो इसमें घंटे बंधे थे, जंजीर में घंटे बंधे हैं इसमें? 2 किलो से 5 किलो तक के घंटे जो हैं जी जी जी, सारे काट ले गए। अच्छा, इसी में घंटे बंधे थे ये? हाँ। ये जो जंजीर है आपको हम दिखा रहे हैं कि जंजीर में घंटे बंधे थे। हाँ। जो बड़े घंटे होंगे उन्हीं को ले गए हैं, टारगेट किया गया है। छोटे घंटों को छोड़ दिया गया है। ये इस तरह है, इतना सामान यहाँ से गया है। अच्छा ठीक, इसके और कहीं तो कोई चोरों ने और कहीं भी हाथ साफ किया है कि नहीं किया? बस यहीं पर। अच्छा अच्छा, ये कितने ताले लगभग तोड़ करके पहुंचे? एक ताला यहाँ का, 2, 3, 4। अच्छा, 4 ताला तोड़ा गया है? 4 ताला तोड़ा गया जी जी जी। आइए आइए, हम मंदिर के प्रबंधक जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि
भाई प्रबंधक जी से हम जानना चाहेंगे कि प्रबंधक जी का क्या कहना है, ये जो मंदिर परिसर में चोरी हुई है। ये हमारे साथ प्रबंधक जी भी हैं। प्रबंधक जी आप थोड़ा सा हाँ साइड आइए। ये बताइए प्रबंधक जी की जब चोरी हुई तो आपको कब मालूम हुआ? उसकी जानकारी हमको सुबह जब पुजारी जी से भोलानाथ तिवारी मंदिर में आए हैं जी जी, तो इन्होंने देखा ताला टूटे हुए, तो तत्काल हमें फ़ोन सूचना दी है। हम मंदिर पे आए हैं, देखा तो यहाँ पूरा सब अस्त व्यस्त था। इसकी सूचना हम फिर पुलिस को दिया है जी। फिर मौके पुलिस आई है, अपना छानबीन कर रही है, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक दोबारा ये घटना घटी है। नहीं, ये हमें रोकना चाहेंगे बीच में। ये 6 जनवरी को शायद इसी तरह घटना हुई थी, क्या उसकी आपने तहरीर दी थी? हाँ, 6 जनवरी जो घटना घटी थी उसकी पूरी तहरीर हमने पुलिस को दी थी जी। लेकिन परंतु उस पर आज तक कोई उसका सामान बरामद नहीं हुआ है जी। और वही लगभग चोर जो सीसी कैमरे में दिखाई पड़ रहे हैं जी, जी। शायद वही चोर हैं जी। अगर इनको कायदे से ढूंढा जाए तो ये मिलेंगे जी। इस पर गहराई लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनमानस जनमानस बहुत गलत संदेश जा रहा है जी जी। ये जो बता रहे हैं कि 6 जनवरी को जो घटना हुई है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है जो चोरों का, वो जो फुटेज निकल रहा है वो उसी तरह है जो 6 जनवरी को हुई थी। सेम उसी तरह चोरों ने अंजाम दिया है और सेम उसी तरह के चाल चलन के उसी तरह चोर के दिखाई भी दे रहे हैं जी। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल चोर लगभग वही है। तो ये पुलिस को देखना है कि पुलिस इस खुलासे को कैसे कर पाती है। इंडिया नाउ 24 की टीम ने 6 जनवरी को भी इसको दिखाया था, हमारी टीम आई थी और हमने इसको दिखाया था, बड़ी प्रमुखता से हर जगह इस खबर को चलाया गया था। अब इसके बाद ये क्या हुआ है बता रहे हैं कि अभी इसका भी उसको कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। वो जो 6 जनवरी की थी उसमें कुछ सामान आपको बरामद हुआ था? कोई सामान बरामद नहीं हुआ था। हाँ, और कुछ मुकुट दिखाए गए थे। हाँ हाँ, जो मिले नहीं अभी वो जमा है। अच्छा, बाकी घंटे वंटे कोई सामान मिला नहीं है। अच्छा, उस बार भी हमको लगभग ये ऐसा लग रहा था कि लगभग 1 क्विंटल घंटा गया था, क्या सत्य है? उस बार बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ था, काफी घंटे चले गए थे बाहर, से भी घंटे काटे गए थे जी जी। उसके बाद से फिर चौकीदार की व्यवस्था की गई, सब व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं और मंदिर देख रेख के लिए कैमरे सब लगे हुए हैं। अगर उसके बाद भी चोर न पकड़ जाए तो बहुत। ये लाखों रुपए की उस बार चोरी हुई थी, अब की लगभग कितने की चोरी हुई होगी? अब की लगभग 40-50 हज़ार का आपकी भी नुकसान हुआ है। 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ है। अब ये बताइए कि प्रशासन को इस पर तेजी से, पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि जब सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था किया गया है संस्थान की तरफ से किया गया है, तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि ये कितनी जल्दी देखिए चोरों तक पहुँच पाते हैं और इसका कितनी जल्दी खुलासा कर पाते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे जो है पूर्व प्रबंधक जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और अब ये आज ये जो घटना हुई है, इस संबंध में हमारे पूर्व प्रबंधक महेश विश्वकर्मा जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है, ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो घटना घटी है तो दुखद है ही है, क्योंकि पिछले बार भी इसके विषय में पुलिस को सूचना दी गई थी और ये पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि चोरों का को पकड़ करके खुलासा किया जाएगा और माल बरामद होगा, किंतु उसमें कुछ हो नहीं पाया। कहने सुनने के लिए कुछ माल बरामद किया गया है लेकिन सही चोरों का पता नहीं लग पाया, ना सही चोर पकड़े गए हैं। अब ये आस्था का सवाल है कि लोग बार बार ये कहते हैं कि मंदिर में चोरी होती है, पुलिस करती क्या है, निष्क्रियता है जी जी। तो ये एक समाज में संदेश गलत जा रहा है। हम ये अपेक्षा करते हैं, पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि जो चोर हैं वो सही पकड़े जाएँ, माल बरामद हो, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, क्योंकि हमारे पास तो मान के चलिए सीसी फुटेज है जी और उसमें तो खुलासा हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि चोर पकड़े जाए, माल बरामद किया जाए जी जी, यही अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल। अब हम इस ये एक चीज और हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है कि चोर 1:18 पर इसमें दाखिल हुए हैं और 1:44 पर पुलिस भी परिसर में आई थी, तो चोरों के इतने बड़े हौसले बुलंद है कि वो उनको कोई भी पुलिस का डर ही नहीं है। उसके बाद वो 3:18 तक यहाँ पर चोरी किया, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 3 बजे तक लगभग 2 घंटे लगातार वो परिसर में रहे हैं, उनको पुलिस का कोई भी भय नहीं है। तो ये इंडिया नाउ 24 की टीम भी पुलिस से मांग करती है कि इसको जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और जिस
इससे यहाँ के भक्त जो आम जनमानस हैं जिनमें ये गहरा दुख है कि ये दो बार यहाँ पर चोरी हो गई और पुलिस अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाई, तो हमें उम्मीद है कि इसका खुलासा से जल्द पुलिस प्रशासन करेगा। धन्यवाद।